हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैं सीमा टीवी। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रही थी इस टाइप का एक वीडियो शूट करने के लिए। हाल ही में नायका से मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, तो मैं सोची हूँ इसके बारे में मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है, मेरा जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस और मेरा जो ऑनेस्ट रिव्यू है, मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। अगर आप कुछ ऐसा ट्राई करने वाले हो तो डेफिनेटली आप मेरे साथ आज बने रहे। होप ये वीडियो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी और हाँ, हमेशा की तरह हेल्पफुल तो होने ही वाली है। अगर आप इस टाइप के कुछ ट्राई करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं या फिर आप ये जानना चाहते हैं ये एक्चुअली में वर्क करता है कि नहीं, तो आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर पधार रहे हैं सो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट कर दीजिए मेरे अपकमिंग नोटिफिकेशन के लिए। मैं फैशन, प्रोडक्ट रिव्यूज, स्किन केयर, मेकअप इस टाइप के वीडियोस बनाती हूँ। सो अगर आपको इस टाइप के वीडियोस देखना पसंद है, लाइक करके बेल बटन को हिट कर दीजिए। सबको पता है सैनफी एक फीमेल हाइजीन ब्रांड है जो हाल ही में अपने स्किन केयर और सम हेयर केयर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। सो इसका फुल नेम है सैनफी डीप प्यूरिफाइंग नोज स्ट्रिप विद फूजी ग्रीन टी विद हेजल। तो ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है जहाँ पे पीछे सारा डिटेल दिया हुआ है कितना क्या है, मैं आपको अभी पढ़ के बताने वाली हूँ। सो ये बेसिकली ऑल स्किन टाइप के लिए है जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग से 5 साल तक यूज कर सकते हैं। इसको चेकआउट करेंगे तो बहुत टाइम पे इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी चलते रहता है। इसके लिए मैं लिंक जो है नीचे प्रोवाइड करके रख दूंगी नायका अमेजोन में, आप इसका जो है गुड डिस्काउंट के साथ इसको चेकआउट कर सकते हैं। सो जो कि इसका MRP है 199 रुपीज और यहाँ पे हमें 6 स्ट्रिप मिल जाते हैं। सो अप्रॉक्स एक एक स्ट्रिप का जो है 50 रुपीज करके पड़ रहा है। सो इट्स नॉट क्वाइट अफोर्डेबल, लाइक एक स्ट्रिप का हमें 50 रुपीज पे करना पड़ रहा है और उसको हम वन टाइम ही यूज कर सकते हैं, तो मैं इसे अफोर्डेबल तो नहीं कहूंगी। नाउ बात कर लेते हैं इसके क्लेम के बारे में, ये क्या क्या क्लेम करती है और ये कितना खरा उतरता है। सो इट्स क्लेम क्विक इजी एंड इफेक्टिवली रिमूव ऑल ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। ये स्किन पोर्स को अनक्लॉक भी करते हैं और साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा डर्ट एंड ऑयल को रिमूव करता है और स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है। तो अब जान लेती हूँ इसको यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे पीछे अच्छे से 6 स्टेप जो है डिस्क्राइब किया गया है। सो फर्स्ट क्लीन योर फेस, ये आपका जो स्किन है पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, लाइक डर्ट, एक्स्ट्रा ऑयल, क्रीम और फाउंडेशन लगा नहीं रहना चाहिए। आपको पानी से अपने स्किन को जो है वॉश करना है ताकि यहाँ का जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद नेक्स्टली आप नोज एरिया है उसको वेट करना है, लाइक आप कोई टिश्यू या फिर हैंकरचिप को गीला करके आप अपने नोज एरिया को गीला कर सकते हैं। और उसके बाद आपका नोज प्यूरिफाइंग जो स्ट्रिप है उसको ओपन करना है। फोर्थ स्टेप है आपको उसे अप्लाई करना है, लाइक बहुत ही जेंटली, बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। लाइक आप एक बार अगर अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद उसको उठा नहीं सकते हैं, तो आपको बहुत केयरफुली अप्लाई करना है। लाइक आपको जैसा सो अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपके जहाँ पे ज़्यादा है कम है पहले ही आप उसको मेजर कर लीजिए, उसके बाद आप उसको स्टिक करिए। फिफ्थ स्टेप में बताया गया है आपको इसको 10 से 15 मिनट्स तक अपने नोज पे लगने दे। एंड सिक्स और लास्ट स्टेप आपको उसको पील ऑफ करना है। दैट्स ऑल, बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स हैं। लाइक पहले आपको वॉश करना है, उसके बाद आपको गीला करना है, फिर आपको आपका नोज स्ट्रिप लगाना है, उसे 10 से 15 मिनट्स तक छोड़ देना है और उसके बाद आपको वो पील ऑफ करना है। दैट्स ऑल। सो नाउ नेक्स्टली मैं बात कर लेती हूँ इसमें कुछ डू और डोंट्स दिए गए हैं जिसे हमें अच्छे से फॉलो करना है। लाइक आपको इसे फ्रिज में स्टोर नहीं करना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर लाइक 30 डिग्री के अंडर आपको रखना है। डायरेक्ट सनलाइट जिसमें आता हो उस जगह पे इसको नहीं रखना है, अवॉइड करना है, और ख़ास करके चिल्ड्रन से आपको इसको अवॉइड करना है। आपको इसे आई एरिया में बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना है और ये ख़ास करके नोज़ के लिए ही बना है, सो आप इसको नोज़ एरिया में ही अप्लाई करें। बट मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा पसंद है और नोज़ के साथ साथ मेरे चिन एरिया में भी बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स तो मेरे नहीं है, लाइक वाइट हेड्स हैं, तो मैं आज यहाँ पे भी आपको अप्लाई करके ये दिखाऊंगी। हालांकि ये मना है बट ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया नहीं है, सो अप्लाई करके आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। इसको मैं ऑलरेडी अपने ब्रदर के ऊपर अप्लाई करके देख चुकी हूँ क्योंकि उसका जो नोज़ है बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स से भरा हुआ है, उसके बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बोथ हैं क्योंकि वो अच्छे से अपना स्किन केयर फॉलो नहीं करता है। इस पैक के पीछे कहा गया है आप इसे वीकली 1 or 2 times यूज़ करें अकॉर्डिंग टू योर स्किन नीड, बट इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको इसे 3 days के गैपिंग में ही जो है यूज़ करना है। लाइक अगर आप मंडे को यूज़ करते हैं तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे छोड़ के फ्राइडे को आपको इसे अगेन अप्लाई करना है। सो अब मैं बात कर लेती हूँ इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किया गया है। एक्वा,
पीबीबी, एक्रोलिन कॉप्लोमर, एक्रिलिक्स कॉप्लीमर, पॉलीविलाइन एल्कोहल, ग्लिसरीन, डाइपोटाशियम ग्लिसरीजेट, हेमोलेस विजिनियस विच हेजल वाटर, मिथाइल पैराबेन, कैमिलिया सिनेसिस लीफ एक्सट्रैक्ट, CL77891, परफ्यूम CL61 एंड लास्टली क्लोरोफिनेसिन। होप सो मैं सही प्रोनाउंस कर पाई हूँ। सो मैं इसके लिए एक पैच टेस्ट आपको सजेस्ट करूंगी। आप किसी एक स्ट्रिप को थोड़ा सा साइड में कट करके कहीं पे भी पैच टेस्ट कर सकते हैं, आपको ये सूट कर रहा है कि नहीं। देखने में कुछ इस तरह का है। यहाँ पे आपको एक वेलवेट टाइप का कपड़ा मिल जाता है, पीछे जो है प्लास्टिक का रैपर लगा हुआ है। हमें इसे यहाँ से उठाना पड़ता है और हमें अपने नोज में जो है इसे इस टाइप से स्टिक करना होता है। लाइक मैं दिखाऊंगी, सो आप देख लीजिए, स्ट्रिप देखने में ऐसा लगता है। या नाउ जस्ट डैपिंग ऑन टू माई नोज। अच्छे से नोज को गीला करना है एज पर इंस्ट्रक्शन। सो यहाँ से इसे इस टाइप से पील ऑफ करना है। लाइक जो ग्लॉसी पार्ट है उसको आपको अप्लाई करना है। और गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसको लगा लिया है। सो देखती हूँ इसको, इसका रिजल्ट क्या होता है। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं ये भी पूरी तरह से सूख चुकी है और ये भी अब मैं इसे पिल ऑफ करने वाली हूँ। साथ ही मैंने जैसे आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था, मैंने इसका एक स्ट्रिप मैं अपने भाई के ऊपर भी अप्लाई की थी, तो मैं उसका भी जो है वीडियो क्लिप नीचे दे दूंगी या फिर लास्ट में जो है क्लिप ऐड कर दूंगी, तो आप देख पाएंगे उसमें साफ व्हाइट हेड्स नज़र में आ रहे हैं। और मेरे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स उतने ज़्यादा नहीं है, लाइक ब्लैक हेड्स तो है ही नहीं, व्हाइट हेड्स थोड़े मोड़े है। सो होप करती हूँ इसमें कैप्चर हो जाएगा। सो मैं आपको दिखा दूंगी अगर कैमरा कैच करता है, नहीं तो मैं लास्ट में क्लिप ऐड कर दूंगी ताकि आप इसे देख पाएं। ये जो है स्किन खींचा खींचा लगता है, इसमें लग रहा है कि हाँ स्किन में कोई खिंचाव महसूस हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं है बट थोड़ा मोड़ा तो पेनफुल है ही। सो आप देख सकते हो जो कि मेरे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स नहीं हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आए, बट जब मैंने अपने भाई के ऊपर ये यूज़ किया था तो उसमें काफ़ी सारा जो है वाइट हेड्स निकल के आया था। और इवन इसमें भी है, लाइक मैं आपको कैमरा जूम करके पीछे से दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। होप करती हूँ ये कैमरा जो है कैप्चर कर पाए, क्योंकि बहुत टाइम पे कैमरा पे वो नज़र नहीं आता है, बट आप देख सकते हैं लाइक इसमें छोटे छोटे जो डॉट्स है आप उसको देख सकते हैं। लाइक इससे आपको समझ में आएगा कि ये स्किन को कितना डीपली प्योरीफाइंग करते हैं एज़ पर दिस क्लेम। सो मैं आपको बैक कैमरा से दिखा दूंगी, इससे आपको इजी रहेगा समझने में। सो गाइस फाइनली मैं अपने इसको उतार चुकी हूँ और स्किन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, लाइक सॉफ्ट और सपल। सो अगर आप इसको यूज़ करना चाहें आप डेफिनेटली इसको एक ट्राई दे सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ अभी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो जो कि मेरे बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा मेरे केस में तो निकल के नहीं आया, बट या स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट यहाँ की लग रही है। लाइक थोड़ी देर पहले जब मैं इसे टच कर रही थी तो थोड़ा सा पोकी लग रहा था, लाइक समझ में आ रहा था कि यार सिबम उसमें है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से स्मूथ लग रही है। सो या इट्स रियली वर्क। सो अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के वजह से परेशान हैं तो आप डेफिनेटली इसको एक ट्राई दे सकते हैं। और अगर आप इसके रिलेटेड होम रेमेडी भी चाहते हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं ईजी DIY भी शेयर करूँगी ताकि घर बैठे बैठे घरेलू और सामान से ही आपका जो है सारा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स गायब हो जाए। लेकिन हाँ, वो इतना इंस्टेंट इफेक्ट नहीं देते हैं, लाइक इतना स्मूथ सप्पल और एक ही बारी में आपको क्लियर स्किन तो नहीं देंगे, लेकिन रेगुलर यूज से वो भी अच्छा हो जाता है। ऑनेस्टली बताऊं तो स्क्रब करने के बाद भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो है रह जाते हैं, लेकिन हाँ सेंफी के इस प्रोडक्ट से जो है बहुत अच्छे से क्लीन अप हो गया। लाइक अगर आपको पार्टी में जाना हो और अगर आपके घर में कोई इवेंट हो तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं इंस्टा क्लीनअप के लिए।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस टाइप के वीडियोस के लिए बेल बटन को भी हिट कर दीजिए. सो होप करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, साथ में एंटरटेनिंग भी और थोड़ा सा फनी भी, क्योंकि वो सब लगा के मैं बहुत ज़्यादा फनी लग रही थी, आई नो इट. जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपसे, आप सबसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में. सेफ रहिए, ब्यूटीफुल रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपने स्किन को पैम्पर करते रहिए, खुद से प्यार करिए, खुद की केयर करिए और के लिए बाय.